सुल्तानपुर सर गुलाबी क्लांग पार्क तू इस तकरीब का पुट बन चुके हैं। मैं गुजारिश करांगा उन अपने मौजूद का मना के आज इस तकरीब की सदारत के बारे में असबे रवायत अलामा डॉक्टर मोहम्मद अजमल गाजी साहब मैं गुजारिश करांगा कि वो कुर्सी सदारत तशरीफ लेन ताकि असी ये अपना काम शुरू कर सकी। जनाबे अलामा डॉक्टर मोहम्मद अजमल गाजी साहब साड़ी आज की तकरीब के चीफ गेस्ट ने बहुत पंजाबी कमिटेड कारोबारी शख्सियत लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर तो साढ़े बहुत ही मेहरबान मोहसन दोस्त जनाब अब्दुल बासित साहब मैं गुजारिश करांगा कि स्टेज पर साथ तशरीफ ले आओ। बेशक छेती टूट जाए तो इजाजत दे देंगे तुम लेकिन स्टेज पर आए। साढ़े दूजे नामान सुशी ने वो भी उनका ताल्लुक भी शायद इसे शोबे ना लिए लेकिन असि कारोबारी घट समझते हैं तो दोस्त ज्यादा समझते हैं। मेरी मुराद रजा हुसैन साहब को है वो तशरीफ लियो तो स्टेज में रौनक बख्शन जनाबे रजा महमूद हुसैन। अच्छा चूंकि साढ़े सिख भरा भी इस तकरीब मेहनती कर रहे हैं मैं गुजारिश करांगा उन्होंने लिए जान का मसला है थोड़ा जहा लेकिन ज्ञानी रणजीत सिंह जरा गुजारिश करांगा वो स्टेज पर थोड़ी देर तशरीफ लियो तो साढ़े बहन जो उनका दिल किता टुट जा असी डक दें जनाबे ज्ञानी रणजीत सिंह। साखत बहुत खूबसूरत नाम और अपने नाम की तरह खूबसूरत डेली पाकिस्तान का ताल्लुक मेरा छोटा भी छोटा भरा अजीज इसार राणा साढ़े आस्ट्रेलिया दोस्त तशरीफ लिया ने ये आस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप एसोसीएशन के अहदेदार भी ने सदर भी ने साढ़े दोस्त भी ने। मैं कुछ आखन तो पहले ही गुजारिश करा कि वो भी उठ के स्टेज पर तशरीफ लिया जनाबे भट्ट साहब अरशद नसीम भट्ट साहब मैं गुजारिश करा ये दोस्तों को बुलाता रहा गप रहेगी। मैं गुजारिश करा कमल मजीद रहा कि तशरीफ लियो नाते रसूले मकबूल पेश करें कमल मजीद मोहतरम अब्दुल बासित साहब चैंबर प्रेसिडेंट लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरे ताई मोहतरम जहद मसूद साहब जमील पाक साहब आवनी माशी साहब और दीगर जेड़े इन सब दोस्तों इतने तशरीफ आवरी से उन्होंने जाती तौर पर मशहूर हाँ कि मैं समझता हाँ कि भट्ट साहब का जरा लेखा अखबार है मेरा भी कोई 18-20 वर्षों तो इस अखबार न एक कलबो जान का तलक है और मैं भट्ट साहब को इस मामले के खराज तहसीन पेश करता हाँ कि मेरा जरा मुशाह 17-18 साल बहुत सारे पंजाबी के दावेदार अखबार आए बहुत सारे दावेदार पंजाबी जबान के हवाले न आए बहुत सारे फोरम क्रिएट हुए लेकिन मुदस्सर भट्ट साहब की जी पंजाबी जबान वाबस्तगी सी अज एक रोजे रोशन की तरह यहाँ है और शख्स तने तना पंजाबी जबान का कलम उठाए चल रहे हैं और मैं
तेरिया शाना ते विच हूँ चुके एक साड़ा है बड़ा खुशी का मौका है इस वास्ते मैं हजरत सुल्तान कौर सरकार का एक दो शेर सुना के और बाद कुछ और भी तस्वीर कर दो Nazreen, you are watching Lahore TV. This is your program, People and Places of Pakistan, and I am your host, Rida Shah. Nazreen, आज भुलेखा न्यूज़पेपर की 25th एनिवर्सरी है जो कि सिल्वर जुबली हो चुका है और नाजरीन ये पाकिस्तान का पहला पंजाबी न्यूज़पेपर है जिसने ये मुदत पाई है और नाजरीन आइए अब हम लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं. नाजरीन आइए अब हम इस न्यूज़पेपर के भुलेखा न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर मुदस्सर इकबाल साहब से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक. मैं भी ठीक. अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आज आपके इस न्यूज़पेपर को 25 साल हो गए सिल्वर जुबली, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझना वा कि असी भुलेखा अखबार नूं पंजाबी ज़बान दी तरक्की और तरवीज वास्ते एक मिशन दे तौर ते शुरू कीता सी. अल्लाह दा शुक्र है कि बहुत सारे दोस्तों ने साथ दिता और असी पंजाबी ज़बान नूं अगे वधाने लई, पंजाबी सहाफत नूं अगे वधाने लई अपना किरदार अदा कीता और एक उलामा लाता कि इत्थे पंजाबी अखबार चल नहीं सकता, पंजाबी अखबार विक नहीं सकता. यानी असी 25 साल तो रेगूलर पंजाबी अखबार छाप रहे हैं. मैं समझना कि अज की तकरीब इस हवाले नाल इहदा मूँह बोलदा सबूत है कि बहुत सारे दोस्तों इस गल नूं सानूं पजीराई दित्ती और मैं मशकूर हाँ उन्होंने दोस्तों का जिन्हें तशरीफ लिया के साडा मान वधाया. तो इस न्यूज़पेपर का खुलासा क्या है, आप क्या कहेंगे, हमें बयान कर? बहुत सादा सी बात है कि भुलेखा का या भुलेखा के आगाज़ का मकसद ही पंजाबी जबान की तरवीज सी. मेरा ईमान इस गल ते कि पंजाबी जबान मुसलमाना दी औलिया दी जबान है और इस जबान जिन्ना काम होया बहुत रिच काम होया. सूफिया का नाँ अगर लेना शुरू कर दी तो एक लंबी कतार है,
वारिस शाह, बुले शाह, सुल्तान बाहू, मियाँ मुहम्मद बख्श और उन्होंने जिन्ना काम है उन्होंने पढ़ना से जरूरी है कि तुम पंजाबी पढ़ते हो। अल्लाह का शुक्र है कि असं उस मिशन को अगे वधाया और पंजाबी जबान को बेहतर मुकाम दवाने लिए अपना किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया। तो आपने ये कैसे शुरू किया? ये पिछे भी उ बात है कि पंजाबी जबान ओदा मुकाम दवाने लिए एक सोचा सी कि पंजाबी का चूंकि अखबार क्यों नहीं, बाकी सूबे जबान अखबार हैं, सिंध सिंधी अखबार निकलते हैं, बलोची अखबार निकलता, पश्तो अखबार निकलता, तो सो मेरे जहन एक आइडिया सी कि किसी न किसी शक्ल पंजाबी अखबार का भी होना जरूरी है, तो सो उस बुनियाद पर असी पंजाबी अखबार शुरू किया और पंजाबी अखबार को आगाज तक तो लैके अंजाम तक जारी रखे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ शौकत अली खान साहब है जिनका बहुत ही बड़ा नाम है और ये बहुत ही मशहूर सिंगर है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, अच्छा कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आकर चीफ गेस्ट? ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे पंजाब का जिक्र हो, पंजाबी इकट्ठे हों और दस्तारों वाले भी, सरदार भी और गैर सरदार भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। असल बात यह है कि पंजाब एक ऐसी ज़मीन है जो गाती भी है, नाचती भी है, रोती भी है और अच्छा काम भी करती है। और मैंने कभी आपको मैया सुनाया, मेरा एक मैया है मेरी किताब में, कोई सुर्ख गुलाब होवे रब्बा तेरे कोल आइए शाला उथे भी पंजाब होवे। तो ख्वाहिश यही है कि यार अगर मैं दुनिया से जाऊँ, मैं दुनिया में जाता हूँ, अमेरिका, कनाडा, इधर उधर नहीं, मर जाऊँ तो मुझे दोबारा जिंदगी में पंजाब नसीब हो। जैसा कि आज 25 साल हो गए इस न्यूज़पेपर को, भुलेखा न्यूज़पेपर को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक पंजाब की तरक्की है, जुबान की तरक्की है, अल्लाह ताला बड़ी ज़िंदगी दे मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब को, हमारे एक दोस्त जो दुनिया में नहीं है हुसैन शाद साहब जो राइटर थे, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल ये है कि जी ये एक नेक शुभ घड़ी है, नेक घड़ी है और मुझे खुशी हो रही है कि मैं लाहौर चैनल पे बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नाज़रीन आइए अब हम यहाँ की इवेंट ऑर्गेनाइजर मलीहा लोधी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। आपको प्रोग्राम कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा हमें आपका, जो ये आपने इवेंट इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हम लोगों ने एक कोशिश की थी कि पंजाबी के हवाले से चारों सूबों के अंदर जो लैंग्वेज का एक बना हुआ है, ज़बानी तफरका जिसको कहते हैं, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए और पंजाबी को प्रमोट किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि पंजाबी गलत लैंग्वेज नहीं है, ना पंजाबी गलत लोग हैं। और इस प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट हमने एक मोहब्बत का और एक यकजहती का पैगाम दिया। तो क्या कहना चाहेंगी आज के इस इवेंट के बारे में आप? बस यही कि पंजाबी बोलिए, पंजाबी सुनिए और पंजाबी से नफरत ना कीजिए, बल्कि एक अच्छी ज़ुबान है। पंजाब में रहने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमें मिलें और हमें मौका दें ताकि हम बात को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने पैगाम को, अपनी मोहब्बत को आगे पहुँचा सकें। नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं जो कि यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक है जी। और आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? नहीं ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की तकरीब जो है बड़ी अहम है, क्योंकि इस तरह अगरचे बात मैं उर्दू में कर रहा हूँ लेकिन पंजाबी के लिए कर रहा हूँ कि पंजाबी जबान की तरवीज और फ़रोग के लिए जो कुछ मुदस्सर इकबाल भट्ट ने किया है और जो इसमें बुलेखा का किरदार है वो बहुत ज़्यादा है, और इस तकरीब में इस बात की अहमियत का हमें और ज़्यादा अंदाज़ा हुआ है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्हें? मैसेज तो यह है कि मैं उर्दू के मुखालफों में से नहीं हूँ, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और पंजाबी जो है वो हमारी मादरी ज़ुबान है, इसलिए मेरे नज़दीक इन दोनों ज़ुबानों में कोई तसादुब नहीं है। मैं अपने घर में पंजाबी बोलता हूँ, दोस्तों के साथ मैं पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन लिखता हमेशा उर्दू में हूँ और तकरीर भी बिलमूम मैं उर्दू में करता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और अच्छे पंजाबी वही हैं जो उर्दू के मुखालिफ नहीं हैं। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि आज हमने यहाँ पर सबसे बात की है और इस न्यूज़पेपर के जो चीफ एडिटर है मुदस्सर इकबाल साहब उनसे भी बात की और आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो नाज़रीन इसी तरह मुझे अब अपनी होस्ट रिदा शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।